आज वैशाख शुक्ल पक्ष एकम शुक्रवार 21 अप्रैल 2023 है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आपका स्वागत करती हूँ। इन दिनों अधिकतम तापमान लगभग 35 से 37 डिग्री के आसपास चल रहा है, अर्थात दिन में तो उष्णकाल का एहसास है ही। उष्णकाल हमें गर्मी का एहसास कराता है, अर्थात तपन। इस तपन में प्रभु श्री जी की पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणाली का और पुष्टि भक्ति के तहत दो भावनाएं निहित हैं। एक भावना क्रियात्मक सेवा में है तो दूसरी भावना पुष्टि भक्ति में निहित है, परंतु दोनों ही भावनाएं हमें यह संदेश देती हैं कि उष्णकाल में प्रभु श्री जी के दर्शन हमें अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इस समय प्रभु अपने भक्तों को कम से कम आवरण में दर्शन प्रदान करते हैं, अर्थात माया का कम से कम प्रभाव होता है। जहाँ प्रभु न्यूनतम वस्त्रों में परधनी जैसे वस्त्र धारण करते हैं तो पुष्पों के वस्त्र भी अंगीकार करते हैं और प्रभु श्री जी के अधिकतम मूल रूप के दर्शन हो पाते हैं। शीतलता प्रदान करने वाले कई पदार्थों तथा संसाधनों का उपयोग किया जाता है, यह तो प्रभु के भौतिक दर्शनों की भावना है। लेकिन अलौकिक में पुष्टि भक्ति की भावना की बात करें तो सामान्यतः जब हम स्वयं को सब कुछ समझने लगते हैं तो प्रभु की भक्ति के प्रति हमारे अंतर्मन में थीजन आ जाती है और प्रभु शीतकाल की भांति माया के आवरण में अपने को ढक लेते हैं, केवल मुखारविंद के दर्शन हो पाते हैं। परंतु हम में विद्यमान भक्ति के बीज के कारण प्रभु की कृपा से जब प्रभु भक्ति की अग्नि पुनः प्रज्वलित होती है और वह तपन बढ़ती जाती है, तब प्रभु श्री जी भी अपने अनुग्रह से माया के आवरण कम से कम करते जाते हैं और यह तपन जब उच्चतम स्तर पर जाती है तब हमें प्रभु के इस भाव के दर्शन होते हैं। अतः प्रभु के प्रति अपनी लगन को तीव्र रखते हुए उनसे विरह की तपन को महसूस करें और प्रभु श्री जी के दर्शन अवश्य करें। सानुभावता की संभावना के बीच प्रभु श्री जी श्री यमुना महारानी जी की कृपा से हमें अवश्य ही अपने मूल रूप के दर्शन प्रदान करते हैं। तो इस उष्णकाल को इन दोनों ही भावों से समझें और प्रभु श्री जी के दर्शन अवश्य करें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। इससे पहले कि हम प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करें, आइए आज के दिवस के प्रभु के राग भोग व श्रृंगार की विशेषताओं का अवलोकन करते हैं। श्री जी को आज इस ऋतु का आखिरी मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। आज के पश्चात मुकुट कांचनी का श्रृंगार लगभग 2 माह 10 दिन के पश्चात आषाढ़ शुक्ल एकादशी को धराया जाएगा, जिसके बारे में हम जानते हैं कि प्रभु को मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद रास, दान और गौचारण के भाव से मुकुट कांचनी का यह श्रृंगार धराया जाता है। श्री जी की सेवा प्रणालिका में मुकुट कांचनी श्रृंगार का एक नियत क्रम है, जिसके तहत
जब भी मुकुट धराया जाता है वस्त्र में कांचनी साथ में धराई जाती है, और ठाड़े वस्त्र सदैव श्वेत रंग के धराए जाते हैं। और जिस दिन मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है उस दिन विशेष रूप से भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कणी प्रभु को अरोगाई जाती है। लेकिन आज की विशेषता और भी है। आज के वस्त्र तृतीय पीठ कांकरोली स्थित श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर की तरफ से सिद्ध होकर आते हैं, और संभवतया कल से प्रभु श्री जी के श्रीहस्त में पुष्प छड़ी की जगह है कमल छड़ी धराई जानी प्रारंभ होती है। आइए अब आज के श्री जी दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार अब उष्णकाल की सेवाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। इसके साथ ही राग भोग व श्रृंगार में कई परिवर्तन भी होने जा रहे हैं। आज श्री जी को नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। दर्शन से पहले हल्का सा भाव कीर्तन श्रवण करते हैं। सिखवत चलना यशो कर। सबसे पहले विनम्र भाव से निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करें। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर पेंजनिया और बिच्छियाँ धराई गई हैं, और जो नित्य नवनीत और मंगलकारी है प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है, और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने आज अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है आइए दर्शन करें। आज श्री जी के पार्श्व भाग में लाल रंग के मलमल की सुनहरी जरी की किनारी के लप्पा के सुंदर हाशिया वाली पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है जिन पर श्वेत बिछावट की गई है, और खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित दो पड़घाजी भी पधराए हुए हैं जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। जहाँ बंटा जी में श्री यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव निहित है। चर्वित तांबुल की सेवार्थ धरती पर चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो सभी वस्त्र आज लाल रंग की मलमल के धराए गए हैं, और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन और कांचनी धराई गई है। आज प्रभु को चोली नहीं धराई गई है। इनके साथ आज रासपट का भी धराया गया है, और ये सभी वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। पीठिका जी पर प्रभु को आज ठाड़े वस्त्र श्वेत रंग की जामदानी के धराए हैं। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है जिसमें
कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हरे मीना के स्वर्ण में जड़ाव के धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु को आज विशेष रूप से मुकुट का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें प्रभु को स्वर्ण की मुकुट की टोपी धराई गई है और उसके ऊपर प्रभु को आज डांख का मुकुट धराया गया है। बाईं ओर इसके साथ ही शीश फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज हीरा के मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। बाईं ओर उत्सव की मोती की और मीना की शिखा जी अर्थात चोटी जी धराई गई हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो कमलाकार माला जी धराई गई हैं, तो साथ में प्रभु को आज कली, कस्तूरी व कमल माला भी धराई गई हैं। श्री हस्त में पुष्प छड़ी, स्वर्ण के लहरिया के वेणु जी और कटी पर दो वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से बने सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज के तहत पट लाल रंग का और गोटियाँ शतरंज वाली प्रभु के सन्मुख पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में अलौकिक रूप से भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस सुंदर मनमोहक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। यह आरसी आज चांदी की उत्सव वाली दिखाई गई है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उसके तहत मंगला में नंद सदन गुरुजन की भीड़, राजभोग में कुंज भवन ते निकसे राधा, आरती में देखन न देत वेरन भई पलकें, शयन में चलो क्यों न देखें री खरे, मान के पद में आपुन चलिए झूलालन, पोढ़वे के पद में प्रेम के पर्यंक पोढ़े। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। इनके अलावा कुछ विशिष्ट सेवाएं प्रभु की नित्य नियमानुसार होती हैं, जिनमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का सभी समय भोग अरोगाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से मंगला, ग्वाल, राजभोग, संध्या में भोग आरती और शयन में प्रभु को इन सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। जिनमें मंगला से ग्वाल तक दूधघर की सामग्रियों की अधिकता रहती है और शाकघर में सिद्ध किए गए विविध प्रकार के मौसमी संधाना, जिन्हें हम आचार भी कहते हैं, अरोगाए जाते हैं। राजभोग में सभी सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, तो संध्याकालीन भोग सेवा में भोग के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है और शयन में प्रभु को पतुआ का हल्का और सुपाच्य भोग अरोगाया जाता है। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। इन दिनों प्रभु को विशेष रूप से सतुआ का भोग भी अरोगाया जा रहा है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की नित्य आरती भी उतारी जाती है। आगामी वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया का उत्सव है। इस उत्सव के आगम के श्रृंगार प्रभु को कल धराए जाएंगे। श्री जी में अक्षय तृतीया उत्सव की भावना, आगम के श्रृंगार एवं अक्षय तृतीया उत्सव के प्रभु के दर्शन हम कल की प्रस्तुति में करेंगे।
ताकि आप अपने ठाकुर जी की सेवा समय पर पहुंच सकें। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग के हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। सिखवत चलना यशो मन मोहन की लेत बलई, मन मोहन
सिखवत चलन सिखवत चलन सिखवत चलन यशोदा सिखवत चलन यशोदा मई। परमानंद
बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।